हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ पिंडी छोले। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चनों को हम कैसे मसालेदार और चटपटा बना सकते हैं। मेरे घर पे ऑलमोस्ट हर संडे को ब्रंच पे ये बनता ही है और हमारे घर पे तो ये सबका फेवरेट है। इसमें एक स्पेशल तड़का जाता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, एंड इसके साथ हम मसाला आलू भी बनाएंगे जो कि बहुत ही क्विक बन जाते हैं एंड पिंडी चनों के साथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ मैंने 3 कप वाइट चने ले लिए थे जिनको मैंने रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। इसमें हम 3 टी बैग्स डालेंगे। हर 1 कप चने के लिए आपको 1 टी बैग लगेगा अच्छा कलर के लिए। इसमें हम डाल देंगे दालचीनी, बड़ी इलायची और उसके साथ हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता। इसी के साथ सॉल्ट डाल के इसको 4 विसल के लिए हम कुक कर लेंगे। तो अब चलते हैं छोले मसाला बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स ले लिए हैं। इसी के साथ 2.5 टेबलस्पून के करीब आप जीरा ले लीजिए। इसमें डालिए बड़ी इलायची, दालचीनी, 3 या 4 ड्राइड रेड चिलीज, इसी के साथ 4 क्लोव्स डालेंगे इसमें और 1 तेज़पत्ता। अब आपने इसको लो फ्लेम पे करीबन 30-40 सेकेंड्स के लिए रोस्ट कर लेना है। इसको आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही कीजिएगा। इसके बाद जब ये हो जाएगा इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, ड्राई पोमेग्रेनेट पाउडर जो कि है अनारदाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। इसी के साथ हम डालेंगे अमचूर, थोड़ी सी हींग और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसे पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत क्विक बन जाता है और अगर आप इसको घर पे बना लेते हैं तो आपको बाहर का चने मसाला लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम स्टोर्ड बॉट वाला चना मसाला। ऑल राइट, अब छोले हो चुके हैं, हम इनको एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको अभी गैस ऑन नहीं करना है। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे हमारा प्रिपेयर्ड छोले मसाला। इसके साथ हम डालेंगे एज़ पर योर टेस्ट ब्लैक सॉल्ट और उसके बाद आपको बस इसे साइड पे रखना है। हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का बनाएंगे जिसके लिए मैंने एक तड़का पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, आप घी भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने डाला है चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, इसके साथ हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, मैंने थोड़ा सा हींग डाला है यहाँ पे और लास्ट में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर कलर के लिए। अब इसको आपको 10 से 15 सेकंड तक ही फ्राई करना है, उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो तड़का प्रिपेयर हो चुका है, अब हम इसको ड्रिजल करेंगे चनों में। माउथ वाटरिंग लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी और आपको करीबन 5 से 10 मिनट और इसको अच्छे से भूनना है जब तक अच्छे से फ्लेवर पूरा चनों के अंदर तक ना आ जाए। अब इसमें मैंने 3 टेबलस्पून चनों का पानी डाला है जो उबालते टाइम थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बट आपको ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम ये अमृतसरी छोले नहीं बना रहे, हम पिंडी छोले बना रहे हैं जो कि थोड़े सूखे रहते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एंड में डाल दी है कसूरी मेथी जो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इन चनों में। एंड हियर वी गो। तो 10 मिनट अच्छे से भुनने के बाद चनों में से सारा ऑयल लूज आउट हो चुका है जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये अच्छे से बन चुके हैं। लग रहे हैं ना बहुत डिलिशियस। तो चलिए, चने बन चुके हैं, अब हम इसके साथ सर्व करने के लिए मसाला आलू तैयार कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्विक बन जाते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज पोटैटोस को 4 क्यूब्स में काट के हॉट ऑयल में फ्राई कर लिया है। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये ऐसे गोल्डन ना हो जाए। अब इसको हम तेल में से निकाल देंगे और एक क्लीन बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून चना मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था। इसी के साथ थोड़ा ब्लैक सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड आपको इसमें कोई और मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए,
मसाला अच्छे से इन सब पोटैटोज के ऊपर लग चुका है। आप जब भी पिंडी छोले बनाएं, ये मसाला आलू बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं पिंडी छोलों को। ऑल राइट देन, तो हमारे मसालेदार और चटपटे पिंडी छोले बनके तैयार हो चुके हैं, लग रहे हैं ना एकदम बाहर जैसे। तो आप इसको इंजॉय कर सकते हो पूरी के साथ, परांठे के साथ। परांठे के साथ तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी मसाला आलू जो हमने प्रिपेयर किए थे, ये इसके साथ बहुत अच्छे जाते हैं। एंड फॉर द फाइनल गार्निश आई एम एडिंग अ फ्राइड ग्रीन चिली एंड वी आर डन। तो आप फटाफट से ये रेसिपी को बनाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन गुड बाय।